फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड वेलकम. सो वेलकम माय न्यू चैनल. मायसेल्फ अभिषेक कुमार, आई एम योर वर्ल्ड मेंटर. सो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिस्कस व्हिच टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मिंग ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड व्हाट इज देयर फंक्शन. सो ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन कॉन्सेप्चुअल मैनर्स एंड इंटरेस्टिंग मैनर. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड. And if you want to join my social media handle, so I provided link in description box and in WhatsApp on my channel. So please go through WhatsApp on my channel and click the social media icon and join me there. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So start today's topic. So today's topic is connective tissue. It is the part of the animal tissue. We discussed our previous video about the epithelial tissue. It is also part of the animal tissue, because animal tissue divided into four parts. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. So today's topic is connective tissue. So first we read what written in NCERT textbook. After that we elaborate each and everything very simple and easy manner. So let's stop the wasting in a time. I hope you enjoy this video. So stay tuned with me and let's start. So connective tissue जो होते हैं कि most abundant tissue होते हैं और widely distributed होते हैं हमारी body में, यानी complex animal की body में. ना कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल. यानी कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे, वो कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी में, कॉम्प्लेक्स एनिमल में हम लोग आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं, है ना, जिनकी सेल एक सेल से मिलकर नहीं बनी होती हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना. तो हम वर्टिब्रेट्स आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल में, एनिमल्स आते हैं, ठीक है. तो हमारे जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना, है ना, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना. अधिक मात्रा में पाया जाना, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना, है ना. कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है हर जगह, वाइडली मतलब हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना, पूरी बॉडी में वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है. दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इसके नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव. कनेक्टिव का मतलब होगा कनेक्ट, इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव में क्या आया, कनेक्ट आया. कनेक्ट का मतलब दो चीज़ को जोड़ेगा ये, है ना, कैप प्रोवाइड कराएगा, लिंकिंग प्रोवाइड कराएगा और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा. यानी जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें स्पेशल फंक्शन होते हैं जो कि हमारा लिंकिंग का लिंकिंग प्रोवाइड करवाता है और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन और टिश्यू को, है ना. तो इसमें टेस्ट में क्या लिखा है, दे नेम है कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना, कि हमारी बॉडी के अदर टिश्यू और ऑर्गन को लिंकिंग और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा. दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिशू टू स्पेशलाइज टाइप, है ना. जो हमारे जो होते हैं कनेक्टिव टिशू किस कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकते हैं, जो कनेक्टिव टिशू होते हैं हमारे सॉफ्ट कनेक्टिव टिशू भी हो सकते हैं और स्पेशलाइज टाइप के कनेक्टिव टिशू हो सकते हैं. स्पेशलाइज टाइप के कनेक्टिव टिशू क्या हैं वो हम देखते हैं आगे, ठीक है. हमको फिगर दिया गया है, फिगर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टेस्ट में क्या लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं. जो स्पेशलाइज टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हमारे कौन कौन से आते हैं, उनमें हमारे कार्टिलेज आते हैं, है ना, कार्टिलेज होती हैं हमारी, बोन्स होती हैं और एडिपोज आते हैं, है ना, एडिपोज आते हैं, ब्लड्स आते हैं. ब्लड क्या होता है सभी लोग अच्छे से जानते हैं, एडिपोज क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बोन क्या होती हैं सभी जानते हैं, कार्टिलेज क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा. पहले मैं टेस्ट में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं, बाकी फिगर हम बाद में देख लेंगे, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, वन मिनट, हाँ, जो हमारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आते हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, उसमें कार्टिलेज आती हैं, बोन्स आते हैं, एडिपोज आते हैं और ब्लड्स आते हैं, है ना. इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, मतलब सारे कनेक्टिव टिश्यू में, इन सारे कनेक्टिव टिश्यू में यानी कार्टिलेज में, बोन में, एडिपोज में, सिर्फ ब्लड को छोड़ के, है ना, एक्सेप्ट ब्लड बोला तो यानी ब्लड को छोड़ के, जो इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिक्रीट फाइबर्स, है ना, इनकी जो सेल्स होती हैं वो फाइबर सिक्रीट करती हैं, है ना. इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, है ना. जो हमारा कोलेजन होता है एक टाइप की प्रोटीन है, इलास्टिन भी हमारी एक टाइप की प्रोटीन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी फाइबर सिक्रीट करती हैं, ठीक है, थीके? सिर्फ ब्लड को छोड़कर, ब्लड में हमारे फाइबर से नहीं पाए जाते हैं, अगर ब्लड में फाइबर पाए जाएंगे तो उसका सर्कुलेटिंग फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा. जो हमारी बॉडी में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है यानी सर्कुलेट होता है तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो बहुत सारी डिजीज कॉज हो जाएंगी, ठीक है, इस वजह से उसमें ब्लड नहीं पाया जाता, सॉरी फाइबर से नहीं पाए जाते हैं ब्लड में, ठीक है. द फाइबर्स, जो हमारे फाइबर्स का काम क्या होता है, फाइबर्स हमारे क्या का काम करते हैं,
वो हमको बताया गया है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, जो फाइबर्स होते हैं हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, यानी तन्य सामर्थ्य प्रोवाइड कराते हैं, है ना। स्ट्रेंथ का मतलब होगा हमें तन्य सामर्थ्य। मतलब वो हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, है ना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, है ना। इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कराएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, यानी उसको लचीला बनाएंगे, लचीला बनाएंगे, ठीक है, कि वो आसानी से वो मतलब फ्लेक्सिबल हो सके, मुड़ सके, ठीक है। हमारे क्या होते हैं, द फाइबर प्रोवाइड, जो फाइबर्स हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, है ना, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं टू द टिश्यू, है ना। हमारे टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो हम देख लेंगे कि हमारे फाइबर्स के काम क्या क्या होते हैं। स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। दीज सेल आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, जो हमारे सेल्स होते हैं, ये हमारी सेल्स होती हैं, इनकी हमारी मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करती हैं, ठीक है। विच एक्यूमुलेट बिटवीन द, जो हमारा पॉलीसेक्राइड हो जाएगा वो हमारा ग्राउंड मैट्रिक्स का, ग्राउंड मैट्रिक्स की तरीके काम करेगा, ये हमारे सेल के बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। दीज सेल आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, ये हमारी सेल होती हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करती हैं। विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल एंड फाइबर्स, जो कि हमारा सेल और फाइबर के बीच एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब वो जमा हो जाता है। एक्यूमुलेट होने का मतलब होता है जमा हो जाता है, बिटवीन सेल एंड फाइबर, एंड एक्ट एज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो वो बोलेंगे ग्राउंड सब स्ट्रेंथ, है ना, वो हमारा ग्राउंड मैट्रिक्स का काम करेगा। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को हम कितने टाइप से डिवाइड करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस में भी हमारा आएगा डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर, वो हम आगे देखेंगे, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। यानी हमारे तीन टाइप के टिश्यू हो गए, कौन कौन से हो गए, कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाइड थ्री टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी इनकी सेल जो होंगी लूजली अरेंज होंगी, है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इनकी जो सेल्स होगी वो डेंसली अरेंज होंगी, बट इसमें भी टू टाइप्स होंगे, है ना, कि डेंस रेगुलर है कि डेंस इनरेगुलर है, उसके एग्जांपल भी देखेंगे और हम अच्छे से समझेंगे भी, है ना। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो हमारा क्या होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके नाम से ही पता चला है लूज, यानी इसकी जो सेल्स होंगी इसमें कुछ लूज होगा, ठीक है, इसकी सेल जो होंगी लूजली अरेंज होगी। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, है ना। फॉर एग्जांपल एल्वियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है। इसमें हमको क्या बताया गया, जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनकी जो सेल होती हैं और फाइबर होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, यानी सेमी फ्लूइड का मतलब होता है, सेमी फ्लूइड का मतलब हुआ अर्ध तरल, जो कि फ्लूइड भी नहीं है, है ना, अर्ध तरल, आधा जो होगा, मतलब आधा जो होगा वो फ्लूइड होगा, अर्ध तरल में उसमें जो होगा पूरी तरह से फ्लूइड के नेचर नहीं होंगे, यानी वो अर्ध तरल होगा, सेमी होगा, ठीक है। सेमी का मतलब होता है आधा, है ना। जो हमारे होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के सेल और फाइबर होते हैं लूजली अरेंज होते हैं सेमी ग्राउंड सबस्टेंस, है ना, सेमी ग्राउंड सबस्टेंस में। फॉर एग्जांपल जो होता है हमारा एल्वियोलर टिश्यू है, वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, बीनीथ द स्किन, यानी जो बीनीथ का मतलब होता है हमारा, वेनिथ का मतलब होता है हमारा के नीचे, है ना, के नीचे, के नीचे, के नीचे, ठीक है, इसका मतलब होता है के नीचे। अब किसकिन, किसके नीचे पाया जा रहा है, द स्किन, यानी स्किन के नीचे पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एल्वियोलर टिश्यू, ठीक है, जो कि हमारा एक टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्टन इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, इसका काम क्या होता है, ये हमारे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम को हमारे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, एक फ्रेमवर्क की तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, ये इसमें फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी जो होती हैं, ये सेल जो होती हैं फाइब्रोब्लास्ट की सेल जो होती हैं वो हमारी फाइबर सिक्रीट करती हैं, है ना, प्रोड्यूस फाइबर और सिक्रीट फाइबर, है ना। इनकी जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, इनकी सेल्स क्या होती हैं, इनको हम फिगर में आपको बताऊंगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो फिगर दिया गया है उसमें इसको दिखाया गया है, ठीक है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो हमारी सिक्रीट फाइबर सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और माइक्रोफेजेज, माइक्रोफेजेज जो होते हैं, जो कि हमारी माइक्रोफेजेज जो होगी मास्टर सेल होंगी, ये भी हमारी जो हैं, ये भी हमारी क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। माइक्रोफेजेज जो होंगी हमारी मास्ट सेल हो गई, माइक्रोफेजेज जो होती है हमारी एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है, है ना। माइक्रोफेजेज क्या हमारी, माइक्रोफेजेज क्या हमारी, माइक्रोफेजेज क्या, सॉरी, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है हमारा बड़ा, है ना। माइक्रोफेजेज जो हमारी हैं,
माइक्रो, ये हमारी एक टाइप की WBC हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल WBC हैं, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती हैं, ठीक है, उनको सराउंड करती हैं और उनको मारती हैं। ये हमारी इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम की सेल को हमारी ये स्ट्रांग बनाती हैं। माइक्रोफेजेस जो होती हैं हमारी, ये हमारी इम्यून सिस्टम की सेल को स्ट्रांग बनाती हैं। और जो मास्ट सेल होती हैं, मास्ट सेल हमारी होती हैं, ये हमारी तीन चीज़ वो करती हैं, तीन चीज़ हमारी मास्ट सेल जो होती हैं वो हमारी सिक्रिएट करती हैं। जो हमारी क्या होती हैं, हिस्टामिन होती हैं, थ्री केमिकल सिक्रिएट करती हैं। तीन केमिकल कौन कौन से सिक्रिएट करती हैं, हमारा हिपेरिन होता है, हिपेरिन एक टाइप का हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, हिपेरिन जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारा एंटी कोगुलेंट होता है, यानी हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये हमारा एंटी कोगुलेंट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, हिपेरिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, एंटी कोगुलेंट का काम करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देता है। जैसे ये हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो वो जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉडी के बाहर जो होता है हमारा हिपेरिन नहीं पाया जाता है। अगर हम हेपेनाइज ब्लड, मतलब किसी हम EDTA वाल में हेपेनाइज रख दें, उसमें ब्लड डालें, तो वो हमारा क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि इसमें हिपेरिन होता है, ठीक है। अब हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन हमारा होता है एलर्जी के टाइम निकलता है हमारा, ठीक है, एलर्जी के टाइम निकलता है हमारा, और ये हमारी मास्ट सेल सिक्रीट करती हैं। ये हमारा हिस्टामिन क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है, और सेरोटोनिन जो होता है हमारा, ये भी हमारा सेरोटोनिन भी हमारा प्रोटीन होता है, सेरोटोनिन भी हमारा जो होता है प्रोटीन होता है। जो हमारा हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन जो होता है हमारा वेसो क्या होता है, डायलेटर होता है, हिस्टामिन को हम वेसो डायलेटर बोलते हैं। बट क्या होता है, इसमें एक्सेप्शन है, वेसो डायलेटर तो है, वेसल्स को डायलेट करेगा, बट क्या ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्टर होता है, यानी जो ब्रोंकियो होता है ना, ब्रोंकियो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन क्या होता है, ये हमारा वेसो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, सेरोटोनिन जो होता है हमारा वेसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये हमारी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जो हिस्टामिन होता है वेसो डायलेटर होता है, वह ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये हम याद रखेंगे। ये हमसे पूछ सकता है कि हमारा हिस्टामिन जो होता है ये वेसो डायलेटर होता है, बट ये किसका और फंक्शन है, वो क्या करता है, तो बोलेंगे ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये हमारी तीनों के तीनों केमिकल जो होते हैं हमारे मास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल हमारी ये सिक्रीट करती हैं। आगे हम देखते हैं ना, मास्ट सेल का हो गया। अब उसके बाद क्या, एडिपोज टिश्यू है ना, हमने एलोला टिश्यू के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है हमारा एक दूसरे टाइप का लूज कनेक्टेड टिश्यू है, जो कि हमारा कहाँ पे पाया जाता है ना। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनेथ, मैंने आपको बताया था बीनेथ का मतलब होता है के नीचे, किसी के नीचे, है ना, बीनेथ द स्किन, यानी स्किन के नीचे पाया जाएगा। एडिपोज टिश्यू हमारा जो है स्किन के नीचे पाया जाएगा, और इसमें क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो किस काम में यूज होती हैं, वो आगे हमको बताया गया है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज फॉर स्टोर फैट, है ना, जो एडिपोज टिश्यू की सेल्स होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, स्पेशलाइज हो जाती हैं फैट स्टोरिंग, है ना, फैट स्टोर करती हैं। और जैसे हमारे पोलर एरिया पे जो एनिमल पाए जाते हैं, उनकी स्किन के नीचे एक मोटी सी चमड़ी की लेयर्स होती है ना, फैट की लेयर होती है, जिसको हम ब्लबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं, ठीक है, ब्लबर बोलते हैं। जो हमारे पोलर एरिया में एनिमल पाए जाते हैं, ये इंसुलेशन का काम करती है, यानी हमारी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देती। ब्लबर तो सभी में पाई जाती है ना, हम लोग में भी पाई जाती है, पतली पाई जाती है, बट जो हमारे पोलर एरिया में होती है वहाँ पे उनकी स्किन के नीचे जो ब्लबर होगी वो मोटी होगी, वहाँ पे हीट लॉस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत होती है ना, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में होता है पोलर एरिया में, इसलिए वहाँ पे ब्लबर जो होगी वो मोटी होगी, ठीक है, इंसुलेशन का काम करेगी। आगे देखते हैं, एडिपोज टिश्यू अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू लोकेटेड द मेनली बीनेथ द स्किन, ये हमारी स्किन के नीचे होती हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज इन स्टोर फूड, जो इसकी सेल होती हैं, इस टिश्यू की सेल होती हैं, वो स्पेशलाइज हो जाती हैं फैट स्टोर करती हैं, है ना, फैट स्टोर करती हैं। जो फैट स्टोर होगा हमारा, फैट स्टोर कब होगा, है ना, तो उसमें हमको बताया गया, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट व्हिच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्ट इनटू फैट एंड आर स्टोर इन दिस टिश्यू, है ना। जो हमारे होंगे फैट कैसे बनता है हमारा, फैट जो होता है हम एक्सेस न्यूट्रिएंट, जो हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जो उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, जो इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होते हैं, है ना, इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं, वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में, और जो हमारा फैट होता है वो हमारी इसी टिश्यू में हमारा स्टोर हो जाता है ना, एडिपोज टिश्यू में हमारा स्टोर हो जाता है, इसीलिए हम इसको एडिपोज टिश्यू को बोलते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टेड टिश्यू, है ना, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स जो होते हैं
फाइबर्स तो फाइबर हो गए, फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है, हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल थी वो हमारी फाइबर सिक्रीट कर रही थी, है ना। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होती है इनमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट की सेल जो होती हैं वो डेंसली पैक्ड होती हैं, है ना, बहुत डेंस कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। कॉम्पैक्टली या डेंसली बोलो, कॉम्पैक्टली मतलब होता है बहुत सघन सघन तरीके से, मतलब घनी घनी में, घनी घनी मात्रा में सघन, ठीक है, जो सघन होता है, ठीक है, मतलब इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी, ठीक है। इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट की सेल होंगी, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स हैव ए रेगुलर और इनरेगुलर पैटर्न, है ना, जो इसमें और इसमें फाइबर्स का ओरिएंटेशन होता है ना, मतलब वो कैसे कैसे पाए जा रहे हैं, तो इसमें दो पैटर्न होते हैं, मैंने आपको बताया था डेंस रेगुलर, डेंस इनरेगुलर, वो यही है, ठीक है। डेंस रेगुलर अगर उसके फाइबर्स का पैटर्न पैरेलल होगा तो उसको हम डेंस रेगुलर बोलेंगे, अगर फाइबर्स का पैटर्न रेगुलर नहीं है, है ना, कोई पैरेलल है, कोई वर्टिकल है, कोई पैरेलल है, कोई वर्टिकल है, तो ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे मतलब होगा जो वो हमारा इरेगुलर में होगा, ठीक है, तो इसको हम डेंस इरेगुलर बोलेंगे। आगे देख लेते हैं हम क्या है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ द रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड डेंस रेगुलर, जो रेगुलर पैटर्न शो करेगा उसको डेंस रेगुलर बोलेंगे, जो इरेगुलर शो करेगा उसको हम डेंस इरेगुलर बोलेंगे। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो, है ना, यानी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होंगे, जो हमारे कोलेजन फाइबर होंगे प्रेजेंट इन रो बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, है ना, वो पैरेलल प्रेजेंट होंगे, एक रो में प्रेजेंट होंगे और पैरेलल तरीके से प्रेजेंट होंगे इस टाइप से, तो इसको हम बोलेंगे डेंस रेगुलर, ठीक है। जो हमारे होते हैं टेंडन, है ना, जो टेंडन हो गया और लिगामेंट हो गया, हमारे ये डेंस रेगुलर के एग्जांपल हैं, ये हमारे टेंडन और लिगामेंट जो हो गए, हमारे टेंडन और लिगामेंट जो हो गए हमारे ये डेंस रेगुलर के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब इसको टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, इसको याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो टेंडन है क्या है, इसमें पहले टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा है, फिर मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, है ना, टेंडन जो होता है हमारा स्केलेटल मसल, है ना, स्केलेटल मसल और बोन को अटैच करता है, है ना। टेंडन जो हो गया हमारा क्या क्या अटैच करेगा, बोन टू मसल, ठीक है, टेंडन जो हो गया हमारा बोन टू मसल अटैच करेगा। और जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू, है ना, जो हमारा डेंस रेगुलर का हो गया, हमारा टेंडन और लिगामेंट हो गया, जो लिगामेंट है हमारा वो बोन टू बोन अटैच करेगा, ठीक है, लिगामेंट जो है हमारा वो बोन टू बोन अटैच होगा, यानी लिगामेंट जो होगा बोन टू बोन जोड़ेगा, जो टेंडन होता है हमारा मसल टू बोन जोड़ता है, यानी मसल्स को बोन से जोड़ता है। अब हम इसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है, इसकी एक ट्रिक होगी बवाल, ठीक है, बवाल, ठीक है, बवाल से क्या हुआ हमारा, बी से हुआ हमारा बोन, ठीक है, एक बी से बी हमारा हो गया क्या बोन, और यल से क्या हो गया हमारा लिगामेंट, यानी जो हमारा होगा बोन टू बोन क्या जोड़ेगा, लिगामेंट जो हमारा बोन को बोन से जोड़ेगा, टेंडन जो होगा हमारा वो बोन को मसल से जोड़ेगा। ये सिंपल तरीके से आपको याद हो गया होगा, अगर हम इसको लिगामेंट के बारे में हमको पता है कि बोन टू बोन जोड़ेगा, ये लिगामेंट हुआ तो हमारा जो टेंडन होगा वो हमारा क्या करेगा, वो मसल से बोन जोड़ेगा, वो हम समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है, ये हमारा हो गया, ठीक है, लिगामेंट भी हो गया हमारा, जो कि हमारा अब हम इसमें देखते हैं डेंस इनरेगुलर, है ना, डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो इसमें क्या है, डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो होती हैं फाइब्रोब्लास्ट और इनके जो फाइबर्स होते हैं, मोस्टली कोलेजन फाइबर होते हैं हमारे, है ना, मोस्टली जो होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं हमारे फाइबर्स, वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, डेट ओरिएंटेड डिफरेंटली, जो कि डिफरेंट ओरिएंट होते हैं, कोई पैरेलल होगा कोई वर्टिकल होगा, है ना, इनका सेम ओरिएंटेशन और पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, ये हमारे जो होते हैं डेंस इनरेगुलर होते हैं, हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, ये स्किन में पाए जाते हैं, है ना, कार्टिलेज में पाए जाते हैं, बोन में पाए जाते हैं, एंड ब्लड में पाए जाते हैं, है ना, ब्लड में पाए जाते हैं, ये हमारे जो हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, है ना, दी वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारे जो हैं इसमें वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में भी पाए जाएंगे, किस में पाए जाएंगे, हमारे बोन में पाए जाएंगे, ब्लड में पाए जाएंगे, ठीक है, और हमारे क्या है कि इसमें पाए जाएंगे, कार्टिलेज में पाए जाएंगे, स्किन में पाए जाएंगे, और हमारे वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में भी हमारे ये डेंस क्या इरेगुलर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू का फिगर्स देख लेते हैं, जितने हमें फिगर्स दिए गए हम देख लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट में आगे
बढ़ते हैं, है ना। लूज कनेक्टेड टिश्यू का हमको फिगर दिया गया है। लूज कनेक्टेड टिश्यू में हमको जो फर्स्ट दिखाया गया है वो हमारा एल्वियोलर टिश्यू है, सेकंड जो हमारा एडिपोज टिश्यू है ना। एडिपोज टिश्यू का काम क्या था, फैट स्टोरिंग टिश्यू बोलते थे इसको हम, है ना। एल्वियोलर टिश्यू में हमारी देखो मैक्रोफेजेज दिखे, माइक्रोफेजेज को एक टाइप ऑफ WBC होती है, है ना। ये एक टाइप की WBC होती है, एक टाइप की WBC होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है ना, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती हैं, उनको किल करती हैं, और हमारे इम्यून सिस्टम की सेल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, है ना। फाइब्रोब्लास्ट क्या थी हमारी, फाइब्रोब्लास्ट वो थी जो कि हमारी फाइबर सिक्रेट कर रही थी, है ना। फाइब्रोब्लास्ट इज द ए टाइप ऑफ द फाइब्रस सिक्रेटिंग सेल्स, है ना, जो कि हमारी फाइबर सिक्रेट कर रही थी। और कोलेजन फाइबर्स होते हैं हमारे, मोस्ट अबंडेंट फाइबर जो होते हैं वो कोलेजन फाइबर होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और हमारी ये मास्ट सेल जो थी हमारी, ये हमको दिखाया गया था मास्ट सेल, ये तीन केमिकल सिक्रेट कर रही थी। हिपेरिन जो हमारा एंटीकॉगुलेंट था वो कार्बोहाइड्रेट था, और जो हमारा क्या था हिपेरिन के बाद हमारा क्या था हिस्टामिन था, हिस्टामिन भी हमारा एक प्रोटीन था जो कि हमारा वैसो डायलेटर था, बट हमारा एलर्जी के टाइम निकलता था, बट ये हमारा ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्टर था। और जो हमारा सेरोटोनिन था ये भी हमारा क्या था, ये टाइप ऑफ प्रोटीन था, ये हमारा ये हमारा वैसो कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। ये हमारा वैसो कॉन्ट्रैक्टर था, सेरोटोनिन हमारा वैसो कॉन्ट्रैक्टर था, हिस्टामिन हमारा ये वैसो डायलेटर था, बट हमारा ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, यानी ब्रोंकियो को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अब हम इसमें देखते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा क्या होता है, फैट स्टोर होता है, ये फैट स्टोरिंग एरिया है हमारा, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस होता है, किसी भी चीज़ का फंक्शन कॉज जो मेन होता है, सुपीरियर होता है, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ही सारे फंक्शन कंट्रोल करते हैं। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज द सुपीरियर, है ना। वो हमारे सारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, है ना। किसी भी चीज़ में जो न्यूक्लियस होगा उसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा। और हमको ये क्या दिखाया गया है, ये हमको एडिपोज टिश्यू कोलेजन फाइबर्स दिखाए गए हैं ना, कोलेजन फाइबर दिखाया गया है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है हमारा डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर। इसके जो फाइबर्स हैं हमारे ये पैरेलल अरेंज हैं, ठीक है। इसके जो फाइबर्स हैं ये देखो पैरेलल अरेंज है, तो ये हमारा डेंस रेगुलर हो गया, है ना। डेंस रेगुलर हमारा किस में पाया जाता है, टेंडन और लिगामेंट में पाया जा रहा था हमारा डेंस रेगुलर कोलेजन फाइबर्स। ये हमारे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया। और डेंस इनरेगुलर में हमारा क्या है, डेंस इनरेगुलर में हमारे इसमें जो कोलेजन फाइबर हैं वो हमारे सेम ओरिएंटेशन नहीं उनका, कोई अजीब तरीके से ये किसका देखो, इसका ओरिएंटेशन सेम नहीं है, इसलिए डेंस इनरेगुलर है, ठीक है। ये हमारे स्किन में पाया जाता है, कार्टिलेज में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में भी हमारा डेंस इनरेगुलर पाया जाता है, डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। आगे देखते हैं हम, द इंटरसेलुलर मटेरियल, ठीक है, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, है ना। इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है हमारे कार्टिलेज का क्या होता है, वो हमारा सॉलिड होता है, एंड फ्लाइबल एंड रजिस्टेड कंप्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज होता है, हमने बताया कार्टिलेज होती हैं, बोन होती हैं, है ना, इनमें डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो कार्टिलेज होती हैं ये सॉलिड होती हैं, ठीक है, ये ठोस होंगी और प्लाइबल होंगी। प्लाइबल का मतलब होता है कि ईजिली बेंड हो जाए, है ना, ईजिली ये जो होती हैं ईजिली बेंड हो जाती हैं, यानी ईजिली मुड़ जाती हैं, ठीक है। और ये रजिस्ट टू कंप्रेशन, यानी ये जो होगी दबाव को, मानी ये फोर्स को रजिस्ट करेंगी, फोर्स को बियर करेंगी, है ना, फोर्स को बियर करेंगी, ठीक है। जो हमारी कार्टिलेज होती हैं सॉलिड होती हैं, प्लाइबल होती हैं, यानी इजीली बेंड हो जाती हैं, रेजिस्टेंट टू कंप्रेस मतलब ये हमारे कंप्रेशन दबाव को झेलती हैं, बियर करती हैं, ठीक है। सेल ऑफ दिस टिश्यू, जो हमारी कार्टिलेज की सेल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, है ना। इसके नाम से ही पता चल रहा है, सी से हमारा क्या हुआ, कार्टिलेज हुआ, और हमारा इससे सी से भी हमारा हो गया कॉन्ड्रोसाइट्स हो गया। सेल ऑफ दिस टिश्यू की कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना, इस टिश्यू की सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी, जो कि स्मॉल कैविटी में इंक्लोज होती हैं, यानी इंक्लोज होने का मतलब बंद होना, स्मॉल कैविटी में बंद होना, विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, ठीक है। ये अपने ही मैट्रिक्स जो सिक्रेट करती हैं, इनकी सेल जो मैट्रिक्स सिक्रेट करती हैं, उसी की स्मॉल कैविटी में ये बंद होती हैं, है ना। अपने द्वारा सिक्रेट किए गए मैट्रिक्स की सेल की स्मॉल कैविटी में ही ये कॉन्ड्रोसाइट जो होती हैं ये बंद होती हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज की सेल है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाय बोन इन एडल्ट। जो हमारे इसमें क्या बताया, मोस्ट ऑफ यानी ज़्यादातर, है ना, जितने भी होते हैं कार्टिलेज वो हमारे वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में होते हैं,
वो कार्टिलेज होते हैं, बट वो रिप्लेस हो जाते हैं बोन इन एडल्ट, है ना। जब हमारा वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो जो होगा तो उसमें हम कार्टिलेज होंगे, ज़्यादातर कार्टिलेज वो हमारे एडल्ट में बोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? कार्टिलेज हमारे टिप ऑफ नोज, ये जो हमारी नोज होती है सॉफ्ट होती है, ये हमारे ईयर पिन्ना होते हैं, यहाँ पे भी हमारे कार्टिलेज पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रा होती है हमारी, उनमें भी हमारे कार्टिलेज पाए जाते हैं, लिम्फ में भी पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, यानी नोज की टिप पे होते हैं, यानी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आउटर ईयर जॉइंट, यानी यहाँ पे होते हैं हमारे, ठीक है। ईयर पिन्ना जो हमारे कार्टिलेज का ही बना होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज का, ठीक है। आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट बिटवीन वर्टिब्रा कॉलम, है ना, बोन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम। एडजेसेंट का मतलब होता है दो आसपास वाली, एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास वाली, ठीक है, आसपास वाली, आसपास वाली बोन की जो वर्टिब्रा कॉलम है, आसपास वाली बोन होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, है ना। लिम्स में प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, लिम्स में प्रेजेंट होगा, हैंड में प्रेजेंट होता है एडल्ट के हैंड में, ठीक है। अब हमारा कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज का हमको फिगर दिखाया गया है, फिगर हम देखेंगे, पहले हम बोन का भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बोन होती है हमारी, बोन हैव ए हार्ड, जो बोन होती है हमारी वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है और हमारा साल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से वो हमारी हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। बोन हैव ए हार्ड नॉन पलाइबल ग्राउंड सबस्टेंस रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन्स इट्स स्ट्रेंथ, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो बोन होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, बोन हमारी हार्ड होती हैं, नॉन पलाइबल होती हैं, ग्राउंड सबस्टेंस जो कि इसका जो ग्राउंड सबस्टेंस होता है वो रिच होता है, उसमें कैल्शियम साल्ट पाया जाता है और कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, यानी हमारे कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर हमारी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए जो होती हैं बोन हमारी हार्ड होती हैं और नॉन पलाइबल होती हैं, यानी वो इजिली बेंड नहीं हो सकती हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इट इज़ द मेन टिश्यू, है ना, इट इज़ द मेन टिश्यू डेट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू द बॉडी, है ना। ये हमारा जो बोन होता है, ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है बॉडी को, है ना। यानी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क का मतलब हमारा ढांचा प्रोवाइड कराता है बॉडी को, और हमारे जो सॉफ्टवेयर टिश्यू होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा रिब केज हो गया, हमारे लंग्स को प्रोवाइड प्रोटेक्ट करता है और हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। थोरेसिक केज में हमारा जो होता है बंद होते हैं सारे के सारे चीज़ें, हमारा सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। तो मैं इसमें क्या दिया गया है, इट इज़ द मेन टिश्यू डेट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी को ढांचा प्रोवाइड कराती है बोन, ठीक है। बोन सपोर्ट, जो बोन होती है सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन, हमारी सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन को भी हमारी बोन सपोर्ट करती हैं, सहारा प्रोवाइड कराती हैं और उनको बचाव प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। द बोन सेल, जो बोन की सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, है ना, बोन की सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोन की सेल को बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स एक बीमारी होती है, जैसे हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स तो हमारी बोन की सेल होंगी, और एक ऑस्टियोमाइलेसिया होता है ना, ऑस्टियोमाइलेसिया, 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 ऑस्टियोमाइलेसिया जो होता है, इसमें हमारी जो बोन होती है वो वीक हो जाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थिभंगुरता। इसमें जो होती है क्या होती है, हमारी बोन जो होती है वो वीक हो जाती हैं, बोन जो होती है हमारी वीक हो जाती हैं, जिसको हम अस्थिभंगुरता बोलते हैं। इससे हम रिलेट कर पढ़ सकते हैं हमारी ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं, ऑस्टियोसाइट जो हमारी हैं बोन की सेल हैं, और अगर हमको ऐसे भी याद नहीं आता है तो हम ऑस्टियोपैडिक जो हमारे सर्जन होते हैं तो वो भी हमारे बोन के ही सर्जन होते हैं, तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। अगर इससे भी रिलेट नहीं हुआ तो हम ये पढ़ लेंगे कि ऑस्टियोमाइलेसिया जो होता है हमारा बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी बोन इसमें वीक हो जाती हैं, तो ऐसे हम इजिली मेमोराइज कर सकते हैं। जो कॉन्ड्रोसाइट्स थी हमारी वो कार्टिलेज की सेल थी, ठीक है। द बोन सेल जो होती हैं ऑस्टियोसाइट्स होते हैं आर प्रेजेंट इन द स्पेस का लुकनी, लुकनी है ना, ये जो होती हैं ऑस्टियोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी द बोन सेल आर प्रेजेंट स्पेस का लुकनी, है ना, ये हमारी लुकनी में प्रेजेंट होती हैं। लिम्स बोन्स सच एज लॉन्ग बोन ऑफ लेग, जो हमारी लॉन्ग बोन ऑफ लेग होती है वो क्या होती है, हमारी फीमर होती है, फीमर जो होती है हमारी, फीमर, फीमर ये हमारी कहाँ पे पाई जाती है, थाई में पाई जाती है, ठीक है। ये हमारी लॉन्ग बोन होती है, ये वेट बियरिंग का काम करती है, यानी हमारी वेट को वियर करती है, हम जो हमारा बॉडी का वेट होता है उसको वियर करती है, ठीक है।
ये वेट गेनिंग का काम करती है और इसमें बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन है बॉडी की, है ना। तो उसमें हमारा क्या होता है, बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, हमारी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। सो इट्स मेन टिश्यू प्रोवाइजर हमारा ही होता है, द बोन ऑफ द ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, बोन के सेल को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि हमारी लुगने में प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी लिंक बोन होती हैं सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग, है ना, सर्व एज वेट बेरिंग फॉर फंक्शन, है ना। ये हमारी वेट बेरिंग इनका काम होता है, फंक्शन जो होगा इनका क्या होगा, वेट बेरिंग का फंक्शन होगा, ये हमारी वेट को वेयर करेंगी, ठीक है। दे ऑल्सो इंट्रैक्ट विथ स्केलेटल मसल, ये हमारी स्केलेटल मसल से इंट्रैक्ट करती हैं, यानी उनसे लिंक होती हैं, जुड़ती हैं, और स्केलेटल मसल से इंट्रैक्ट करके हमारे ये हमारे मूवमेंट कॉज करवाती हैं, ठीक है। जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमारे स्केलेटल मसल से अटैच होकर हमारा मूवमेंट कॉज करवाती हैं, ठीक है। जैसे हमारे जॉ की बोन्स हो गई और ये हमारी स्केलेटल मसल से अटैच हो गई, ये हमारा जॉ में मूवमेंट हुआ, ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, ये हमारा जॉ का मूवमेंट हुआ, ठीक है। ये हमारी बोन्स जो होंगी स्केलेटल मसल से अटैच के हमारा मूवमेंट कॉज करवाएंगे। और वॉलंटरी मसल क्या होती है, इनवॉलंटरी मसल क्या होती हैं, वो हम आपको मसल्स वाले समय चैप्टर में आगे वाले लेक्चर पे अपने बताएंगे। वॉलंटरी मसल क्या होती है, वॉलंटरी मसल ऐसी मसल्स होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम अपने हाथों से छू सकें, उनको समझो वॉलंटरी मसल हैं। जिनको हम नहीं छू सकते वो इनवॉलंटरी मसल हैं, सिंपल तरीके से। बाकी इसमें आगे चल के मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो हमारा जो लॉन्ग बोन होती है इसमें क्या होता है, हमारा द बोन मैरो जो बनता है हमारा लॉन्ग बोन में ये बनता है, मैंने आपको बताया था, द बोन मैरो इज सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। जो हमारा बोन मैरो होता है, कुछ बोन्स में हमारा जो बोन मैरो होता है वो बनता है, और वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ब्लड सेल का हमारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वहीं पे हमारी ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो जाता है। अब हमारा क्या है, हमको दिखाया गया है ब्लड, है ना, ब्लड के बारे में दिखाया गया है। ब्लड हमारा क्या है, ब्लड इज द ए टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिशू, है ना। जो हमारा ब्लड होता है टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिशू होता है। कंटेनिंग इसमें ब्लड में क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा होता है हमारा, रेड ब्लड सेल होता है यानी RBC होता है, और WBC होता है, है ना। और हमारे क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, WBC RBC। देखो हमारा प्लाज्मा हो गया, ठीक है, रेड ब्लड सेल यानी RBC हो गया, WBC हो गया यानी वाइट ब्लड सेल, और हमारा प्लेटलेट्स हो गया। जो हमारा क्या होता है, इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड, जो कि हमारा ब्लड होता है हमारी बॉडी में सर्कुलेटिंग फ्लूड होता है, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड होता है, हमारे गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है ना, ऑक्सीजन का हमारे ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन हमारा होता है, ठीक है। वो हमारा एक्सपेंजर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी में सर्कुलेट कराता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। इट इज मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड डेट वे इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सबस्टेंट का मतलब हमारे डिफरेंट सबस्टेंट, गैसेस हो गए, न्यूट्रिएंट वगैरह हो गए, सब हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अपने आने वाले चैप्टर में, 1780 चैप्टर में सर्कुलेटिंग सिस्टम जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा ब्लड क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, WBC के कंपोनेंट क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, RBC का फंक्शन क्या होता है, इसका काउंट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस अवर अपकमिंग लेक्चर। सो अब हम देख लेते हैं फिगर, जो हमको इनके फिगर दिखाए गए थे वो हम देख लेते हैं, जो हमको कॉन्ड्रोसाइट्स है ना, जो हमारे कार्टिलेज के फिगर दिखाए गए थे वो देख लेते हैं हम। ये हमारा जो ए है, ये हमारा कार्टिलेज का फिगर है, जो ए हमारा कार्टिलेज का फिगर है, ये हमारी कोलेजन फाइबर हैं, और यहाँ पे हमारी कार्टिलेज के सेल को जो हम बोल लेते हैं, कार्टिलेज के सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोल लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जो कि हमारा इसका फंक्शन को हमारा कंट्रोल करेगा, कार्टिलेज की फंक्शन को कंट्रोल करेगा हमारा क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। जो सेकंड हमको दिया गया ऑस्टियोसाइट्स, है ना, ये हमारी बोन का एग्जांपल है ना, हमारा बोन का है। इसकी जो बोन थी ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल की थी, ऑस्टियोसाइट्स बोल रहे थे उनको, वो कहाँ पे प्रेजेंट थी, हिमालय लोगनी, है ना, कैविटी प्रेजेंट थी उसी में, प्रेजेंट थी लोगनी में, ठीक है। ये हमारा जो सी है हमारा, ये ब्लड का दिया गया है। तो ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, WBC होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का यहाँ पे हमको दिखाया नहीं गया है। प्लाज्मा में जो होता है, ये हमारा प्लाज्मा जो होता है हमारा 55% होता है, 55% प्लाज्मा में 90-92% वाटर होता है, है ना। ये हम सब आपको बताएंगे आने वाले लेक्चर पे अपने। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसके में हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में
डिस्क्राइब करेंगे, है ना। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, अभी हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, और उसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उनको वॉच करिए और आप अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।